जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां बनते जनता की आवाज़। फतेहपुर के अंदर नेत्र चिकित्सालय में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्षा हेमलता पटेल जी का गुस्सा फूट पड़ा। आज उन्होंने सैकड़ों महिलाओं के साथ मिलकर के यहां पर आकर के प्रदर्शन किया और सीएमओ के नाम एक ज्ञापन दिया, जो कि उन्होंने कहा कि सीएमओ के मार्फत यह ज्ञापन योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के पास जाए और बताया जाए कि किस तरह से यहाँ पर नेत्र चिकित्सालय में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यहाँ का फार्मासिस्ट वो पिछले 12 वर्षों से यहाँ पर बैठा हुआ है और उसके कारण यहाँ पर ना तो मरीजों को समय पर दवाइयाँ मिल रही है, ना ही लेंस मिल रहे हैं। यदि कोई पैसा दे देता है तो पैसा दे करके उसका काम किया जा रहा है। 8 से 10 हज़ार रुपये में मरीज का यहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन यदि कोई मरीज देने में असमर्थ हो तो उसका बीपी बढ़ा हुआ दिखा करके या फिर कोई अन्य कारण बता करके उसको यहाँ से चलता कर दिया जाता है। नेत्र चिकित्सालय के अंदर यहाँ पर आवारा कुत्तों का पालन किया जा रहा है। फार्मासिस्ट पिछले 12 वर्षों से यहाँ पर फार्मासिस्ट बनकर के नहीं बल्कि डॉक्टर बनकर के और सीएमओ बनकर के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर राज कर रहा है। इसका राज हटाने के लिए ही आज यहाँ पर इन महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। देखिए यह खास खबर, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। पटेल अपने सारे संगठन के साथ में आज नेत्र चिकित्सालय में सीएमओ के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन सौंपना है। यहाँ पे एक ब्रजेंद्र कुमार त्रिपाठी हैं जो 12 साल से यहाँ पे हैं। आखिरकार किनके संरक्षण में यहाँ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं? यहाँ अपनी हैंडराइटिंग से पर्चा लिखा जा रहा है, जबकि वो फार्मासिस्ट हैं, वो डॉक्टर का पद लिए बैठे हैं इतने दिनों से, और अपनी हैंड राइटिंग से दवाइयाँ लिखते हैं, दवाइयाँ बाहर के लिए लिखते हैं। यहाँ पे जो लेंथ आते हैं तो वो लेंथ भी पैसों से बिकते हैं, 10,000 में 8,000 में लेंथ लगाए जाते हैं। और यहाँ पे कोई मरीज नहीं है, उनके कुत्ते यहाँ लेटते हैं, यहाँ बेडों पे कुत्ते लेटते हैं, यहाँ सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाए, इनकी जाँच कराई जाए और इनको जाँच करा करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि इतने दिन से क्या कर रहे हैं, क्यों कुंडली मार कर बैठे हैं। आखिरकार योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार सब बंद हो गया है, हम भ्रष्टाचार बंद कर रहे हैं, उन्हीं के संरक्षण में, किसी के संरक्षण में ये पल रहे हैं 12 साल से। आखिरकार ये क्या कर रहे हैं, हमको जवाब दिया जाए। और छोटी सी बात नहीं, मैं सारे सबूतों के साथ में यहाँ पे आई। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष हूँ।